आपका अपना YouTube चैनल आईके टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में सीखेंगे फ्री हैंड टूल, वो भी एक ट्रिक के साथ। नंबर फर्स्ट पे हम बनाएंगे वर्नियर कैलिपर, सेकंड पे हम बनाएंगे स्क्राइबर, और नंबर थ्री पे हम बनाएंगे हाफ राउंड फाइल, और नंबर फोर पे सीखेंगे स्क्रू ड्राइवर, और नंबर फाइव पे हम बनाएंगे स्क्वायर हेडेड बोर्ड। यानी पांच जो है फ्री हैंड टूल बनाएंगे, और वो भी कम समय में। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, वर्नियर कैलिपर हम बना रहे हैं, तो दो पैरेलल लाइन आपको लगानी है। जैसे मैंने जो लगाई हुई है, इस तरीके से आपको दो पैरेलल लाइन लगानी है। लगाने के बाद में आपको क्या काम करना है, जस्ट आगे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ से लेके एक सीधी लाइन नीचे की तरफ ऐसे आपको खींचनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या काम करना है, इतनी ही दूरी के ऊपर गैप लेकर एक लाइन नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। कुछ ही दूरी पे ये जो गैप जो है, ये कम ज्यादा आप ले सकते हो। इसी ये इतनी लंबाई पे और इतनी लंबाई पे एक लाइन और यहाँ पे ड्रा करेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। काफी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो भी लाइन लगाएंगे वो आपको सीधी लगानी है। उसके बाद में देखिए, ये जो गैप जो है, इतने ही गैप पे एक लाइन और हम लगाएंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया है और ये लाइन नीचे की तरफ इस तरीके से मिलानी है, जैसे मैं मिलाऊंगा यहाँ से ऐसे, फिर इसी तरीके से इस लाइन को हम मिलाएंगे नीचे की तरफ से, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना, नीचे की जो जाव होती है इसके आगे से यहाँ से हल्का सा ऐसे होता है, और बराबर दूरी पे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, हम बनाएंगे अब ऊपर की इनसाइड जा। इनसाइड में क्या होता है, देखिए इस लाइन को मैं बेस बनाऊंगा, ऊपर की तरफ एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे, देखिए इस साइड से लेके और ऐसे, फिर एक लाइन और खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, ये जो पॉइंट आया है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, इसी के पैरेलल ये जो लाइन पैरेलल है ऊपर की तरफ इतनी ही दूरी पे, फिर एक पॉइंट और फिर नीचे की तरफ, ठीक है। इसी के साथ फिर एक गोलाई, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, नीचे की तरफ ऐसे हल्का सा कट लेंगे, फिर नीचे करेंगे इसी तरफ, इस तरफ से भी हम हल्का सा कट करेंगे, ठीक है। आगे के जो पॉइंट जो है ये वाले एक लाइन और ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको क्या काम करना है, लेके नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है ना। करने के बाद में आपको क्या काम करना है कि ऊपर हम जो स्लाइडिंग जो है मूवेबल जो है वो हम रेडी करेंगे। इसको कुछ ही दूरी पे इसी की सीट में एक लाइन आपको ऐसे लगानी है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे हम लाइन खींचेंगे पैरेलल, ठीक है, ऊपर की तरफ फिर एक लाइन खींचेंगे पैरेलल। उसके बाद में ये लाइन यहाँ से क्लोज करेंगे इसी तरीके से, ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे लाइन करेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट कर सकूं। उसके बाद में ऐसे करना है, जस्ट इतनी ही दूरी पे आपको फिर एक और, फिर यहाँ से एक और। तो देखिए प्लीज आपके वो इतना देखिए रेडी हमने कर दिया है। इसके बाद में आपको क्या काम करना है, पीछे की तरफ इसको ऐसे करना है, ठीक है। पीछे की तरफ लेफ्ट गेंद लगा लेते हैं, ऐसे करना है और ऐसे करना है, ये जो है इसके बाद में ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे और ऐसे और ये ऐसे,
ठीक है ना। तो देखिए आपका ये वर्नियर कैलिपर जो है ये रैली हो रहा है, उसके बाद में देखिए क्या काम करना है आपको। इस स्केल के ऊपर हम क्या करेंगे, एक लॉकिंग स्क्रू यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे आपको करना है, ऐसे ठीक है। फिर इस पे यहाँ पे लगाएंगे लॉकिंग स्क्रू, ठीक है। उसके बाद में इनको ऐसे 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 कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ये पार्ट भी नीचे से मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन करना है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये आपका हो गया वन, ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह, ठीक है ना। छह इंच बना लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन और ये हो गया सिक्स, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इसी की तरफ से तो पीरियड आपकी देखिए कैसे कैसे ये मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ये देखिए ये जो है इसके जस्ट नीचे की तरफ ऐसे आपको एक लाइन और लगानी है, ठीक है। फिर ये जो लाइन है इसकी तरफ भी ऐसे ऐसे लाइन एक और हम लगाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है इसकी तरफ से भी ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, इसके हम पार्ट लिखेंगे कौन कौन से भाग पे कौन सा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, नंबर फर्स्ट पे ये है आपका मूवेबल जॉ, ठीक है। ये कौन सा है फिक्स, और ये दोनों क्या है ऐसे, इनसाइड जा, ठीक है। और ये क्या है, ये और ये लॉकिंग सर्किट, ठीक है। और ये क्या है आपका डेप्थ गेज, गेज, ठीक है। और ये क्या है आपका डी, ठीक है। उसके बाद में ये है आपका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है आपकी एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ये तो ग्रेजुएशन है, वन टू थ्री फोर फाइव लिखे हुए हैं, ये है आपकी स्केल कौन सी है, मेन स्केल, मेन स्केल, ठीक है। और ये कौन सी स्केल है आपकी वर्नियर स्केल, पीरियड आरटीओ। ये कंप्लीट जो है वर्नियर कैलेंडर मैंने आपको फ्री हैंड बता दिया, इस तरीके से बना सकते हो और यहाँ पे इसका डिस्काउंट लिख सकते हो 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। तो आइए अब सेकंड हम बनाते हैं आपका सब्सक्राइबर, ठीक है ना।
सब्सक्राइबर देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है, काफी इजी है। इसमें आपको क्या काम करना है कि एक सीधी रेखा हम लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इसी के पैरेलल एक लाइन और लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से करना है, इनके बीच में एक पॉइंट और ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो है एक पॉइंट ऐसे है, ठीक है, बीच का जो भाग है आपको ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका तो देखिए सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। तो आइए अब बनाते हैं हाफ राउंड फाइल। तो देखिए हाफ राउंड फाइल में आपको क्या काम करना है, एक सीधी रेखा हम लगाएंगे ठीक है, इसी के पैरेलल ऊपर की तरफ एक लाइन और ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका बीच का एक लेके पॉइंट यहां पे ऐसे लगाएंगे और ऐसे, ठीक है। उसके बाद में क्या काम करना है कि देखिए इतनी लंबाई है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करें, देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, यानी यहां से इसको पेपर में कर देते ऐसे, ऐसे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन है तो मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए क्या काम करना है आपको, ऐसे ऐसे आपको करना है और आपको ऐसे, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई है हाफ राउंड फाइल। उसके बाद में देखिए, तो देखिए ये हाफ राउंड फाइल है, ये आपकी रेडी हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा ओवर कर देते हैं, ये जो फाइल जो है ये आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो आइए अब बनाते हैं सकरूप में, यानी आपका पेज। उसके लिए सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन लगाएंगे यहां से, यहां से, उसके बाद एक सीधी लाइन और लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ऊपर से ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, कुछ ही दूरी पे ऐसे एक और एक पॉइंट और ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ठीक है, ऐसे आपको करना है इसको ऐसे, ऐसे। ये आपका स्क्रू ड्राइवर रेडी हो चुका है। इसमें यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रू ड्राइवर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए प्रिय साथियों ये आपका स्क्रू ड्राइवर रेडी हो चुका है। तो आइए अब बनाते हैं स्केयर हेड बोल्ट। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर कुछ ही दूरी पे आपको एक लाइन फिर एक और लगानी है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहां से ऐसे लाइन और फिर एक लाइन और खींचेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है ये ऐसे आपको करना है, ठीक
ठीक है, उसमें क्या काम करना है भाई, ये जो लाइन है ये ऐसे आ जाएगी और ये जो ऐसे आ जाएगी, एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको आपको इरेज करना है, ठीक है ना। उसके बाद में ऐसे और ये ऐसे, उसके बाद में ऐसे बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, उसके बाद में ऐसे, तो ये हो गया आपका तो पीरियड डायग्राम कंप्लीट। फ्री हैंड डायग्राम हमने बना दिए हैं, फिर भी इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।